हेलो गाइज, मैं राकेश सर आप सबका अपने क्लास में वेलकम करता हूँ। स्टडी विद राकेश सर में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू फॉर्म केमिकल फॉर्मूला। गाइज, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आयंस अपलोड किए थे, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स अपलोड किए थे, तो उसे जरूर याद कीजिए क्योंकि उसकी सहायता से आप केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। गाइज, साथ ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गाइज यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। गाइस, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा गाइस, ताकि आपके पास समय पर सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो देख सके। गाइस, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से आयंस का यूज करते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाने में। गाइस, तो आइए देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ आयंस लिए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड सोडियम, ये सारे आयंस लिए हैं और ये मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, मैग्नीशियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गाइस, आप इसकी सहायता से बहुत सारे एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट करता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का। देखिए, यहाँ मैग्नीशियम है और यहाँ क्लोराइड है। गाइस, तो मैग्नीशियम, तो देखिये मैग्नीशियम का जो आयंस होता है Mg2+ होता है, तो यहाँ Mg2+, तो 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, इसका जो आयंस है वो है क्या, 2 है। गाइस, तो 2 यहाँ लिखेंगे। क्लोरीन जो है इसका सिंबल होता है Cl और इसका जो आयन है जो 1 होता है, ठीक है ना। अब ये 1 इस पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आपका बना देगा Mg और 1 इसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखने का मतलब ही होता है 1, तो 1 नहीं लिखा जाएगा। अब आएगा Cl और ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया, MgCl2। तो इस तरह से ये केमिकल फॉर्मूला गैस फॉर्म हो गया, ठीक है ना। उसी तरह आप इसको बनाएंगे सोडियम सल्फेट, तो सोडियम देखिए इसका सिंबल होता है Na और सल्फेट का सिंबल होता है गाइस, देखिए यहाँ सल्फेट लिखा हुआ है SO4, तो सोडियम देखिए Na+ होता है, देखिए सोडियम यहाँ पर है Na+ होता है, प्लस का मतलब 1, तो इसका जो आयन है 1 है और SO4 यहाँ देखिए 2 है, इसका आयन जो है 2 है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर इस पर हो जाएगा और ये इस पे आ जाएगा, आप इस तरह इसको लिखेंगे Na2SO4। अब ये जो 1 है इनके ऊपर लिखना था, लेकिन 1 नहीं लिखने का मतलब ही 1 होगा, बिकॉज गाइज 1 इज नॉट रिटन इन द फॉर्मूला गाइज, ओके। तो 1 नहीं लिखेंगे, अगर 1 की जगह 2 होता तो फिर 2 यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है, ओके। तो इस तरह से फॉर्म होता है Na2SO4 गाइज, इस तरह से फॉर्म होता है Na2SO4, यानी Na2SO4 का मतलब हो गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बन गया Na2SO4। अब समझ गए होंगे। अब उसी तरह देखिये कैल्शियम ऑक्साइड बनाना, आपका कैल्शियम होता है गाइज Ca और ऑक्साइड होता है O। अब कैल्शियम देखिये Ca, तो कैल्शियम देखिये कहाँ पर है, तो कैल्शियम खोजिए, कैल्शियम देखिए यहाँ कैल्शियम Ca2+। तो इस तरह से आयंस के टेबल से आप इसे आयंस देखकर लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आप इसे लर्न भी कर सकते हैं, और अगर आप देख देख कर प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से लर्न हो जाएगा। तो Ca इसका 2 है और O का देखिए ऑक्साइड भी 2 होता है, तो ये भी 2 होगा, ठीक है ना। अब ये इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, तो ये बना देगा गाइस Ca2 और O2, लेकिन दोनों का आयन सेम है तो इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, 2 1 2 2 1 2, तो ये बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं आप, कैल्शियम का होता है Ca और इसका आयन कितना है, देखिए आपने 2 देखा है यहाँ पर, और हाइड्रोक्साइड होता है OH, इसका आयन होता है गाइस 1, ठीक है 1 होता है। अब ये 1 इस पे आ जाएगा, 2 इस पे आ जाएगा, तो Ca नहीं लिखा जाता तो नहीं लिखेंगे, OH के ऊपर 2 जाएगा, देखिए ये कंपाउंड है तो इसमें ब्रैकेट लगने के बाद 2 लिखा जाएगा, तो ये बन गया CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से केमिकल फॉर्मूला आप फॉर्म करेंगे गाइस, ओके। अब यहाँ देखिए CaOH और बता दू, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको कहते हैं क्विक लाइम गाइस, ओके। इसे चूना कहते हैं, तीव्र चूना कहते हैं। जब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में रिएक्ट करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये बनाता है गाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 बनाता है गाइस। तो इस तरह CaOH2 जो है व्हाइट वॉश में यूज किया जाता है, जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं, घर को आप पेंट करते हैं, तो उसी को कहते हैं CaOH2। तो वाटर से जब रिएक्ट होता है CaO तो बना देता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइन। अब स्लैग्ड लाइन यानी CaOH2
जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है गैस, तो ये बना देता है मार्बल। क्या बनाता है? मार्बल यानी CaCO3। यानी रिएक्शन में क्या होता है, ये CaCO3 बनाता है और वाटर जो है रिलीज होता है, जिसके कारण जो सरफेस है वो काफी ब्राइट हो जाता है। काफी ब्राइट होने के बाद अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह से CaOH2 दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर रिलीज कर देता है, जिसके कारण जो सरफेस है, जो वॉल है, आपको बहुत अच्छा और ब्राइट दिखता है गाइस, बहुत सुंदर दिखता है। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है ये भी समझ गए आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो एक प्रकार का मार्बल है। इसे मार्बल भी कहते हैं गाइस, ये मार्बल का फॉर्मूला है। इस तरह से गाइस आप केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए गाइस। अगर कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इस तरह से आप केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। धन्यवाद गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।